गोल क्या होता है। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ गोल क्या होता है, और जब तक हम ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक गोल भी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत जगह सुना होगा गोल सेट करना जरूरी होता है, बिना गोल सेटिंग के कुछ नहीं किया जा सकता। पहले गोल सेट करो फिर आगे बढ़ पाओगे। गोल सेट करने के बिना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी आप बातें सुनते ही होंगे। क्यों अक्सर सक्सेसफुल लोग गोल सेटिंग करने की बातें करते हैं? आखिर क्या है गोल सेटिंग में, इसका सक्सेस के फर्स्ट स्टेप क्यों कहा जाता है? सबसे पहले कहते हैं कि हमें ड्रीम देखना है। ड्रीम जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं गोल सेट कर, फिर हम गोल सेट करने पे लग जाते हैं। आपने इससे पहले भी 8 स्टेप ऑफ सक्सेस में भी देखा होगा, मतलब जहां भी आप सक्सेस की बात आती है गोल सेटिंग करना है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गोल होता क्या है, क्योंकि बिना गोल के तो लोग होते हैं पर उस यात्री के समान है जो बस में चढ़ जाते हैं और जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है और आखिर बस जा कहाँ रही है। कि व्हाट इज अ गोल, कि लक्ष्य क्या होता है, आज इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ। लक्ष्य एक परिणाम होता है जिसे अचीव करना हम चाहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो गोल हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में 90% लाना चाहता है और किसी व्यक्ति का गोल है कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक बड़ा एम्प्लॉय बने, कंपनी में एक ड्रीम पोस्ट पर पहुंचे, इस तरह के आदमी के अपने अपने गोल होते हैं। और ये गोल 3 तरह के होते हैं, और आज मैं आप सबसे बताऊंगा कि जिंदगी में लोगों ने ऐसे ऐसे गोल बनाए हैं जो लगभग असंभव लगता था और लोगों ने उसे साकार करके भी दिखाया है। और आज भी ऐसे ऐसे गोल लोग बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम देख रहे हैं जिस पे अपना गोल फिक्स करते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल बन रहे हैं। गोल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, मतलब जो कुछ दिनों का गोल होता है। जैसे कुछ दिनों में कहने का मतलब है आप एक पेन की इच्छा कर लो कि हमें 2 दिन के अंदर एक पेन खरीदना है, 2 दिन के अंदर मुझे एक काम को खत्म करना है। ये एक शॉर्ट टाइम गोल होता है। मिड टाइम गोल होता है जो कुछ हफ्तों के लिए होता है, जैसे मान लो कि 1 महीने के अंदर मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना है। 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, ये कुछ महीने कुछ हफ्तों का होता है, जिसे आप इसे हम मिड टाइम गोल कहते हैं। जैसे मान लो कि हम 3 महीने के अंदर एक छोटा सा फोन खरीदेंगे, ये मम्मी को गिफ्ट करेंगे, कोई साड़ी या कुछ भी हो सकता है, ये मिड टाइम गोल होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम गोल वो होता है जो कुछ महीनों कुछ सालों का होता है, जैसे 3 साल के अंदर हम अपना घर बनाएंगे या 2 साल के अंदर हम ये फला गाड़ी लेंगे। ऐसे ऐसे लॉन्ग टाइम गोल होते हैं, ये अपनी जिंदगी को अलग अलग टाइम पर हमें डिफाइन करना होता है। शॉर्ट टाइम गोल, मिड टाइम गोल और लॉन्ग टाइम गोल कितने कितने समय के होंगे यह आप पर निर्भर करता है, या आप ही सेट करोगे कि गोल कितने कितने समय का होता है। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.